गुड एवरी वन गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग राम राम नमस्कार परमबीर प्रियंशा महेश संजू संजू संदीप राहुल सभी को राम राम सभी को गुड इवनिंग सच श्री क्विज़ सीरीज चल रही थी उसका 95 सेशन है आज है ना कल अपने 94 सेशन पूरा किया था आज अपना 95 सेशन है आज भी हमेशा की तरह शानदार जानदार क्वेश्चन है जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपका नाम नहीं लेते अनुज आपका भी ले लिया राजीव को शाम का नमस्कार झालावाड़ से फिटनेस फ्रैक बॉक्सर हैं चलिए फटाफट -पट लाइक कर दीजिए फटाफट -पट शेयर कर दीजिए आपके जितने भी ग्रुप है स्टेटस है उन पे लगा लिया करो है न कुछ मेहनत हम करेंगे कुछ आप भी कर लिया करो गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन और शानदार सा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा हमने इसको घुमा के लिखा है ना यहां फिल इन ब्लैंक है ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स फॉर द क्रोमोजोम डबलिंग इसका उपचार गुणसूत्र दोहरीकरण के लिए सबसे प्रभावी उपचार माना जाता है यानी जो क्रोमोजोम डबलिंग होती है उसके लिए किसका जो उपचार है वो सबसे प्रभावी माना जाता है परिणाम भाई परिणाम अपेक्ष चलिए किस चीज का उपचार अपने करें कि वो क्रोमोजोम डबलिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है आपने पढ़ा होगा कोल्चीसिन बिल्कुल है लेकिन इनमें से कोलचिसिन कौन सा है डी <coughs> ऑप्शन की तो बाद में ही बात कर लेंगे कि है या नहीं है सी ऑप्शन है ये सी फाइव एच सेवेंटी टू ओ फाइव एन फोर एम जी ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है जिसको अल्फा क्लोरोफिल भी आप बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये तो अपने डबलिंग के अंदर काम नहीं आता है नाइट्रस ऑक्साइड ये भी डबलिंग में अपने काम में नहीं लेते बचा अपना ये तो ये है कोलची का फॉर्मूला जिसको कोलची का फॉर्मूला नहीं पता है वो फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा ये कोलची का फॉर्मूला सी और एन और आपको ही पता है कि ब्रीडिंग प्रोग्राम के दौरान अगर हमें क्रोमोजोम डबलिंग करनी होती है यानी गुणसूत्र जस्ट डबल करने होते हैं तो हम किसका ट्रीटमेंट देते हैं कोल्चीसीन का ट्रीटमेंट देते हैं और ये जो ए ऑप्शन है ये ही है ये ए ऑप्शन है ये है जो एक बायोकेमिकल है यानी जीवों से प्राप्त किया जाने वाला रसायन है और कौन से जीव से प्राप्त किया जाता है पौधे से प्राप्त किया जाता है कोल्ची ओटोमनाले कोल्ची कम ऑटो मनाले से प्राप्त किया जाता है आप ये देख सकते हैं कोल्चिसिन प्लांट है और ये कोल्चिसिन प्लांट है ये कोल्चिसिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है कोल्चिसिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये भी आप लोगों को याद रखना है ना आज लाइक का रेशियो बहुत कम है क्या नाराजगी भाई तो देखिए कोल्चिसिन जो प्लांट है उसका वैज्ञानिक नाम होता है कोल्चिसिन देखो कई तरह की कोल्ची सिन प्लांट की जातियां पाई जाती है लेकिन जो अपने डबलिंग के लिए कोल्चिस इन काम में लेते हैं वो कोल्चीस इन जेव रसायन कोल्ची कम ओटोमेनालि प्लांट से प्राप्त किया जाता है और आप देख रहे हैं ये जनरली कौन सा प्लांट है ये कोल्ची कम अल्टेमेनाल प्लांट ही है ठीक है नेक्स्ट अपने बात करें अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन भी स्टूडेंट अपना एक शानदार सा क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है ये है अपना एप्पल क्रॉप से है ना और बहुत शानदार सा क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन में तो यहां को आपको एक ही ऑप्शन रिप्लाई करना है लेकिन यहां हम बहुत सारी लंबी चौड़ी बात करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी डॉक्रू स्टॉक ऑफ एप्पल निम्नलिखित में से कौन सा सेब का अर्ध बोना मूलव्रंथ है ए ऑप्शन है एम ऑप्शन है एम ट्वेंटी सेवन सी ऑप्शन है एम एक सौ छह और डी ऑप्शन है वो है एम एक चार ठीक है एम एम एक सौ चार सॉरी तो बताइए कि इनके अंदर आपसे पूछा गया सेमी ड्वार्फिंग या सेमी डॉक्ट स्टॉक है वो कौन सा है सेमी स्टॉक है वो कौन सा है ये पूछा गया आपसे बताइए भी सेमी ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक बहुत कम लोगों का आंसर है वो ठीक है एम ट्वेंटी सेवन आंसर कर रहे हैं एम ट्वेंटी सेवन तो अल्ट्राड रूटो का मैं आपसे पूछ रहा हूं सेमी ड्वार्फ कौन सा पूछ रहा हूं सेमी ड्वार्फ और देखो इसका तोड़ अभी आप लोगों का आंसर बहुत कम लोगों का सही आंसर आ रहा है बहुत ही रेयर स्टूडेंट का आंसर है वो सही आ रहा है अब देखिए ये मेहनत आप लोगों के लिए की गई है देखिए यहां पर गौर करिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है एम ट्वेंटी सेवन जो एम थर्टीन का और एम नाइन का क्रॉस है किसका एम थर्टीन और एम नाइन का मैं कह रहा हूं जिसके सिलेबस में प्रोपोगेशन टॉपिक या एप्पल टॉपिक है उसके अंदर यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है अब सभी रूट स्टॉक के बारे में सुन लेना एम ट्वेंटी सेवन ड्वार्फ यानी सबसे बोना है अतिरिक्त बोना है ये एम तेरा इंटू एम नाइन के क्रोस से तैयार किया गया है दूसरा है स्टूडेंट ड्वार्फिंग रूट स्टॉक जो ड्वार्फिंग है वो एम नाइन है फिर सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक यानी अर्ध बोना मूलव्रंथ कौन सा है एम फोर अर्ध बोना है एम सेवन भी अर्ध बोना है एम इक्कीस भी, भी एक सौ एम इक्कीस भी अर्ध बोना है सेमी ड्वार्फ है और एम ट्वेंटी फोर भी सेमी ड्वार्फ है ठीक है अब देखिए कई स्टूडेंट ने एम ट्वेंटी सेवन आंसर दिया था वो तो अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है एम नाइन है वो ड्वार्फिंग बोना है सेमी ड्वार्फ यानी अर्ध बोना कौन सा M4 M7 M106 M21 और M24 है फिर विगर साइज का यानी जो बड़े साइज का है वो कौन सा है M25 भाई ये विगर साइज का है MM104 है ये भी विगर साइज का है और MM111 है ये भी विगर साइज का होता है यानी विशाल आकार का होता है ठीक है उसके अलावा मैर्टन 793 ये वेरी विगर्स होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है जो M मैटोन सेवन नाइन थ्री जो है मैटोन सेवन नाइन थ्री जो है स्टूडेंट ये सबसे बड़ा आपसे पूछ ले कि सबसे विगर है वो कौन सा है सबसे विगर है वो मैरटोन सेवन नाइन थ्री है तो ये सारे के सारे अच्छे से याद कर लेना यहां से किसी ना किसी कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अब देखिए स्क्रीनशॉट का भी मौका मिलेगा आपको कई रूट स्टोक है जिनके आगे बड या बी लगा होता है जिसका मतलब होता है बड्डा गो बड्डागोवेस्की है ना बड्डा गो बड्डागोवेस्की होता है बड या बी लगा होता है उसका मतलब होता है बड्डा गो बड्डागोवेस्की वहीं पे कईयों के आगे सी जी या जी लगा होता है एप्पल के जो रूट स्टोक होते हैं उसका मतलब होता है क्रोनेल या फिर जिनेवा है ना ये जिनेवा से निकाला गया एक है मेलिंग जिसके आगे एम लिखा होता है उसका मतलब होता है मेलिंग जैसे एम ट्वेंटी सेवन है ये मेलिंग ट्वेंटी सेवन बोला जा सकता है एक है मेलिंग मार्टन मेलिंग मार्टन है जिसको हम क्या बोलते हैं बोलते होता है। एक लिखा होता है ई एम एल ए इसका मतलब होता है इस्ट मेलिंग या फिर एस्टोन लॉन्ग होता है ये इनके मीन्स होते हैं ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए अगर आपने

में रिलीज किया गया था कहां से किया गया था इस्ट मेलिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम जो इंग्लैंड के अंदर है वहां से इसको रिलीज किया गया था इसको अच्छे से याद कर लीजिए ठीक है यहां अच्छे से याद करना है यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पड़ेगा ही पड़ेगा अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेमीडवार का है ना अब बताओ सेमीड्वार स्टॉक है वो कौन सा है सेमी डार्क रूट स्टॉक है इन दिए हुए में से तो एम एक सौ छोटे मार्टन बोला जाता है मार्टन एक सौ छह है तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन राइट होगा राइट right आंसर कौन सा होगा सी ऑप्शन राइट होगा अब देख लीजिए आपका सही है या फिर गलत है UP, TGT, PGT, सब क्लियर हो जाएंगे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इसका राइट right आंसर क्या है सी ऑप्शन है अब आप इसका स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले लो इसके अलावा आपको रूट स्टॉक के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ठीक है सारे ऑप्शन यहां पे आपके दिए हुए एम ट्वेंटी सेवन एम नाइन एम फोर एम सेवन एम एक सौ छह एम इक्कीस एम चौबीस सारे के सारे जो मेजर रूट स्टॉक है वो यहां पर मेंशन है कौन से रूट स्टॉक को क्या बोलते हैं ये भी यहां पर मेंशन है स्टूडेंट? चलिए यहां से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं एमएम MM का मतलब होता है मेलिंग मार्टन है ना ये जनरली क्या होते हैं वुल्ली एप्पल एफिड जो होते हैं उसके लिए क्या होते हैं रेसिस्टेंट होते हैं एमएम MM जो सीरीज है ये, ये वुली एप्पल एफिड जो है उसके लिए रेसिस्टेंट होते हैं और ये जोहन इंस इंस्टीट्यूट इंग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है आपसे पूछ ले कि कौन से रूट स्टॉक की सीरीज होती है वो वुली एप्पल एफिड के लिए रेसिस्टेंट होती है तो वो कौन सी होती है एम एम सीरीज जो होती है मेलिंग मार्टन जो सीरीज है और मेलिंग मार्टन सीरीज कहां से रिलीज की जाती है जोहन इंस इंस्टीट्यूट इंग्लैंड से रिलीज की जाती है ठीक है उसके अलावा स्टूडेंट मार्टन एमिन्यू जिसको एम आई से डिनोट करते हैं और एक है मेलिंग जिसको एम से डिनोट किया जाता है यह डेवलप की जाती है मेलिंग रिसर्च स्टेशन कैंट इंग्लैंड से रिलीज की जाती है एक तो एम आई और दूसरी कौन सी होती है मेलिंग ये सीरीज कहां से रिलीज होती है यह होती है इस्ट मेलिंग रिसर्च स्टेशन कैंट इंग्लैंड से रिलीज होती है यह भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है ठीक है टिकल्चर एग्जाम के लिए तो बेनिफिशियल है ये, उसके अलावा और भी कई सारे जो है उनके लिए बेनिफिशियल रहती है ठीक है अब देखो जो मेलिंग मार्टन जो सीरीज होती है इनका एक इनको रिलीज करने के लिए कोलैबोरेशन हुआ था 1917 के अंदर कोलाब्रेशन भी किस में हुआ था एक तो ईस्ट मेलिंग है उसका और दूसरा जोहन इंस्टीट्यूट है इनका इन दोनों का कोलाबरेशन होता है कब 1917 में किस किस का कालाबरेशन होता है स्टूडेंट एक तो ईस्ट मेलिंग का होता है एक जोहन इंस्टीट्यूट है इनका जो है कोलाब्रेशन होता है और इससे क्या होता है जो एम MM एम सीरीज है वो रिलीज की जाती है कौन सी सीरीज एम MM एम सीरीज है वो रिलीज की जाती है जिन भी स्टूडेंट ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो ले ली लीजिए है ना ये आपको नेट पे नहीं मिलेगा इतने सारे मिलेंगे इस पैटर्न में लेकिन इतने सारे नहीं मिलेंगे जो आपको एक ही स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं तो अब एक आज क्वेश्चन भी पूछा था स्टूडेंट ने मेरे से कि यूपी पीजीटी या पता नहीं टीजीटी के अंदर क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये पूछा गया था कि विगर्स जो रूट स्टॉक है वो कौन सा है यानी बड़े साइज का जो रूट स्टॉक है वो कौन सा है और वहां ऑप्शन में बड़े में एम था तो एम आपका विगर्स रूट स्टॉक के अंदर आता है बड़े रूट स्टॉक के अंदर आता है क्लियर स्टूडेंट बड़े अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ तो राइट right आंसर क्या होगा आपका सी ऑप्शन है वो राइट right होगा ठीक है बहुत कम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था मैंने बता दिया कि कौन सा कहां से रिलीज होता है और जो एम MM सीरीज होती है वो दो इंस्टीट्यूट के कोलाबरेशन से निकाली जाती है और दो इंस्टीट्यूट कोलाबरेट कौन कौन से है? एक तो ईस्ट मेलिंग जो बताया था आपको और दूसरा जोहन इन इंस्टीट्यूट जो है इनके कोलाब्रेशन से एम MM सीरीज है वो निकाली जाती है चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स से अर्धशास्त्र से है ना और इसका भी आंसर आपको सोच समझ के रिप्लाई करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है टाइप ऑफ क्राउ फॉर गुड सब्टिट्यूड इन फैक्टर टू फैक्टर रिलेशन देखो जब स्टूडेंट हम प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं उत्पादन के कारक की बात करते हैं उत्पादन के कारक आप जानते ही हो एक तो लैंड है दूसरा लेबर है तीसरा कैपिटल है और चौथा ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं तो ये जो चार फैक्टर है किसके प्रोडक्शन के चार जो कारक है है ना तो जब हम इनके रिलेशन की बात करते हैं फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप बात करते हैं या इनपुट इनपुट रिलेशनशिप की बात करते हैं फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है जैसे मान लो कि हमारी जो कंपनी है या फिर जो हमारा खेत है खेत की बात कर लेते हैं खेत में दस लेबर लगी हुई है ठीक है दस लेबर लगी हुई है और एक हमारा क्या है कैपिटल लगा हुआ है अगर हम लेबर की संख्या कम कर दें और कैपिटल बढ़ा दें तो काम बराबरी हो रहा है मान लो यहां पर जो प्रोडक्शन है दस हो रहा है यहां भी प्रोडक्शन कितना हो रहा है दस लेबर की संख्या छह कर दे और कैपिटल कितनी कर दे तीन यहां भी प्रोडक्शन कितना हो रहा है दस तो ये किसका रिलेशन है कारक कारक का रिलेशन है या नहीं है किस किस का रिलेशन है ये फैक्टर फैक्टर का रिलेशन है तो जो उत्पादन के कारक होते हैं उनके बीच के रिलेशन को जो पढ़ा जाता है उसको फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप बोलते हैं या फिर अपने उसको क्या बोल देते हैं जनरली इनपुट इनपुट रिलेशनशिप बोलते हैं और इनको हम एक करव की तरह दर्शाते हैं यानी एक करव के अंदर जब इनको दर्शाते हैं तो इक्वल प्रोडक्ट करव के रूप में दर्शाया जाता है या आइसो प्रोडक्ट करव के रूप में दर्शाया जाता है या आइसो क्वांट्स प्रोडक्ट आइसो क्वांट्स करव की तरह इनको दर्शाया जाता है ये जनरली चार प्रकार के होते हैं सब्जीट्यूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट देखो हम क्या है वीडिंग करवा रहे हैं उसके लिए पांच लेबर लगा रखी है पांच लेबर लगा रखे इस लेबर को हटा के अगर हम ट्रैक्टर से ट्रैक्टर के पीछे कोई मतलब इंप्लीमेंट जोड़ के हैरों जोड़ के और वीड कंट्रोल कर देते हैं तो पांच लेबर की बजाय हमें एक ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी तो यहां ये सब्टीट्यूट इन लेबर का सब्सिट्यूट कौन सा हो गया ट्रैक्टर हो गया या नहीं हो गया तो ये इस तरह से सब्टीट्यूट की बात हो रही है कि एक कारक दूसरे कारक का सब्सिट्यूट है या नहीं है एक तो होता है परफेक्ट सब्टीट्यूट परफेक्ट सब्टीट्यूट का मतलब है कि ठीक है लेबर को हटा दिया वहां पे मशीनरी काम कर लेगी वो है एकदम परफेक्ट सब्टीट्यूट गुड उूट होता है जिसमें क्या करते हैं अपने लेबर को काफी हद तक कम करके मशीनरी है उससे काम करवा लेते हैं फिर भी हल्की फुल्की लेबर की जरूरत पड़ती है जहां दस लेबर लग रही थी वहां एक दो लेबर से ही अपना काम चल जाता है बाकी हम क्या करते हैं कैपिटल लगा देते हैं ना कैपिटल में अपना जो मशीनरी है वो कैपिटल के अंदर ही आता है तो वो क्या हो गया गुड सब्टिट्यूट हो गया तीसरा ये होता है स्टूडेंट लेस सब्स्टिट्यूट्स लेस सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है कि आप ज्यादा फेर बदल नहीं कर सकते जो काम लेबर करेगी उसका हल्का-फुल्का काम मशीनरी कर सकते ऐसा नहीं है कि 10 की आप दो लेबर कर दो 10 की आप आठ कर सकते हो कैपिटल बढ़ा के तो इसका मतलब क्या हुआ लेस सब्स्टिट्यूट्स होता है एक होता स्टूडेंट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसमें आप हटा नहीं सकते दोनों अगर आप कैपिटल बढ़ा रहे हो तो आपको लेबर भी बढ़ानी पड़ती है जैसे मान लो कि मैं बात करूं आपके खेत में एक ट्रैक्टर था अब आपके खेत में एक ट्रैक्टर था तो उसको चलाने वाला भी एक व्यक्ति था अगर आपने ट्रैक्टर दो कर दिए तो जाहिर सी बात है ड्राइवर भी दो करने पड़ेंगे इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है ना तो इनके लिए हम कर्व दर्शाते हैं अगर हम बात करें गुड सब्टीट्यूट के लिए कौन सा करव होता है तो गुड सब्जीट्यूड के लिए करव होता है कॉन्वेक्स आइसो होता है कौन सा होता है कॉनवेक्स आइसो एन आएगा कॉनवेक्स आइसो क्वांट्स है ये गुड सब्टीट्यूड्स के लिए करव बनता है गुड सब्टीट्यूड में हमेशा कैसा करव बनेगा स आइसोक्वांट्स बनेगा और जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स जो होता है वो इस तरह का करव होता है उसको बोलते हैं अपने कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स तो हमेशा गुड के लिए जो बनता 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 है वो बनता है बनता है है वो एक होता स्ट्रेट लाइन आइसोक्वास स्ट्रेट लाइन आइसोक्वां होता है वो ऐसे बनता है ना स्ट्रेट लाइन आइसो क्वांट्स होता है वो ऐसा बनता है जब परफेक्ट सब्टीट्यूड्स होगा पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है परफेक्ट सब्टीट्यूड्स के अंदर स्ट्रेट लाइन लिख देता हूं, के अंदर बनता है, और जनरली होता है लेस किसके अंदर बनता है किसके अंदर बनता है जिसमें लेसूड होता है बहुत कम सब्जीट्यूट हो सकता है एक कैपिटल दूसरे कैपिटल सॉरी एक फैक्टर का दूसरा फैक्टर है वो बहुत कम सब्टीट्यूड्स होगा उस केस में स्टेयर आइसोक्वांट्स बनता है ध्यान रखिएगा और जब हम बात करें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें उस समय राइट एंगल बनता है ये चारों आपको याद होने चाहिए भी जब आप अपने फार्म पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के कारक की बात करते हैं तो उत्पादन के कारक में आपस में रिलेशन होता है लैंड लेबर कैपिटल और जो ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप होता है उनमें आपस में हमेशा ही संबंध तो रहेगा ही रहेगा और हम क्या करते हैं उन संबंध को जब दर्शाते हैं तो एक से दूसरा उसका सब्टिट्यूट है या नहीं है अगर गुड सब्डीट्यूट है तो करव कैसा बनेगा कॉन्वेक्स आइसोक्वां बनेगा और ये ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था इस क्वेश्चन का राइट right आंसर तो ए है बट अगर परफेक्ट सब्टीट्यूट होगा तो स्ट्रेट लाइन आइसोक्वांस बनेगा और अगर लेस सब्डीट्यूट होगा तो स्टेयर आइसोक्वांस बनेगा और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री अगर रिलेशन होता है तो राइट right एंगल करव बनता है ये चारों के चारों आपको आने चाहिए बहुत बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं कार्तिक सोने कर आपके बारिश हो रही है बहुत बढ़िया भाई ठंड हो जाएगी है ना मुबारक हो गंगानगर तो बहुत गर्म है देश का सबसे गर्म जिला है हमारा ठीक है यहां भी कुछ भेज दीजिए एएफओ का पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर आते हैं ये बात समझ में आ गई ना वैसे तो ये जब हम पूरा पढ़ते हैं आईसो क्वांट्स तब समझ में आता है लेकिन फिर भी ये इतनी चीज याद कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसकी भलाई जरूर मिलेगी ठीक है तो राइट आंसर है ए ऑप्शन नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के कारक के लिए कौन सा कथन है वो गलत है गलत कथन पूछा गया है. उत्पादन के कारक कौन से है लैंड है लेबर है कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है तो उनके लिए कौन सा फैक्टर है सॉरी कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है पहला स्टेटमेंट कह रहा है लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक इन सप्लाई जो जमीन है वो क्या है पूरी तरह से सप्लाई के मामले में इन इलास्टिक है यानी कोई बदलाव नहीं है अब देखो प्रकृति ने जितनी जमीन दे दी है उतनी ही जमीन है और उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। जितनी है उतनी ही रहनी है जितनी है उतनी ही रहनी है और जाहिर सी बात है ये कौन सी होगी परफेक्टली इन इलास्टिक होगी इसमें तो कोई दो राय नहीं है लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे बात करें जैसे मान लो कि मेरे बीस बीघा जमीन है मैं कुछ पैसे लगा के पच्चीस भी कर सकता हूं तीस भी कर सकता हूं जब एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बात करें तब तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये इलास्टिक है बट जब सीधा आपसे पूछा जाए तो ये समझ लो कि कॉमन पूछा गया है कि लैंड है उसकी सप्लाई इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? इन इलास्टिक है जो हमें प्रकृति ने दिया है वो सब लैंड है ऐसा नहीं है जैसे तो हम फिजिकली पीस ऑफ लैंड को क्या बोलते हैं जमीन बोलते हैं यानी जो एक टुकड़ा है धरती के सरफेस का वो लैंड है लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है वो सब लैंड के अंदर आएगा जो नेचुरल गिफ्ट होता है ठीक है जितना दे दिया उतना ही रहना है उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं होना है तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है दूसरा है लेबर इज ड्राइविंग डिमांड ड्राइविंग डिमांड का मतलब है कि डायरेक्ट डिमांड नहीं है डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है सॉरी डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या है जैसे मान लो कि बाजार में होंडाई की कारें ज्यादा बिकने लगी तो होंडाई की कारों की डिमांड क्या होगी ज्यादा तो ये होगी डायरेक्ट डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड क्या है इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है कि जब क्या है किसी और चीज की डिमांड बढ़ने की वजह से किसी और वस्तु की डिमांड बढ़ने की वजह से उससे संबंधित जो वस्तु है उसकी डिमांड बढ़ जाती है अब जाहिर सी बात है देखो जो भी क्वेश्चन पूछने होते हैं वो या तो क्विज के बाद पूछा करो या बीच में डिस्कस करते हैं ना इतने सारे मैसेज मत किया करो मैं नहीं रिप्लाई करता क्वेश्चन में आनंद लीजिए पहले ठीक है

तीसरा लेबर इज परफेक्टली इन इलास्टिक इन सप्लाई जैसे जमीन है वो परफेक्टली क्या है इन इलास्टिक है तो लेबर परफेक्टली इन इलास्टिक कैसे हो सकती है लेबर को घटाया बढ़ाया जा सकता है या नहीं जा सकता बताओ भी लेबर को घटाया बढ़ाया जा सकता है या नहीं जा सकता ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेबर को बढ़ाया घटाया जा सकता है या नहीं जा सकता है अबे लगता है कि बढ़ाया घटाया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मान लो कि यहां पर जो भी टीचर पढ़ाते हैं मान लो कि हमारी टीम है बीस लोगों की तो हम बीस लोग लेबर है अब मैं काम करूं तो मैं भी लेबर हूं ठीक है बीस लोग हम क्या है लेबर है ठीक है लेबर द्वारा कोई मेंटली या फिजिकली एक्शन किया जाता है उसी को लेबर कहा जाता है यानी जो मजदूर होता है उसके द्वारा कोई मानसिक या शारीरिक काम किया जाता है उसी को आप लेबर बोलते हो क्या बोलते हो उसको भी उसको ही लेबर बोलते हो मान लो कि पास में मकान पड़ रहा है मकान बन रहा है और उनको लेबर की जरूरत ज्यादा है अब वो हमारे पास आके बोले कि आपके मास्टरों को सबको भेज दो और उनको चिनवाई में लगाना है तो ये जो टीचर है ये उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये उनका स्किल नहीं है स्किल उनका है पढ़ाना तो जो लेबर फिक्स होती है ना उसको कन्वर्ट करना मुश्किल होता है कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है ना तो इसलिए कहा जाता है कि जो लेबर होती है वो सप्लाई के अंदर क्या होती है परफेक्टली इन इलास्टिक होती है इलास्टिक नहीं होती है परफेक्टली इन इलास्टिक होती है ठीक है यानी जो लेबर है उतनी ही रहने वाली है और जो जिससे संबंधित है वो उतनी ही रहने वाली है ये इलास्टिक में नहीं रखोगे कभी आप इसको इलास्टिक के अंदर कभी भी नहीं रखने वाले हो ठीक है डी ऑप्शन है ऑल कैपिटल आर वेल्थ बट ऑल वेल्थ आर नॉट कैपिटल देखो सारे के सारे कैपिटल है वो धन है लेकिन सारे के सारे धन है वो कैपिटल नहीं है सारे के सारे धन है वो कैपिटल नहीं है देखो कैपिटल क्या होता है किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है या मेन मेड चीजें हैं वो उसमें झोंकी जाती है तो उसको बोलते हैं कैपिटल कोई भी मेन मेड चीज है जिसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट काम में लेते हैं किसी चीज के उत्पादन के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल मान लो कि मेरे पास कार है अब वो कार है वो मैं मेरी सुविधा के लिए है अब वो धन मतलब और धन प्रोड्यूस नहीं करती और कैपिटल की डेफिनेशन में ये आता है कि ऐसा धन जिससे और धन पैदा किया जा सके ऐसा वेल्थ जिससे और वेल्थ है वो अर्न की जा सके उसको कैपिटल बोलते हैं अब मेरे पास कार है वो क्या है पर्सनल कार है वो मेरा धन है वो मेरा धन है, मेरा धन है भी जितने भी लाख की है वो मेरा धन है लेकिन वो कैपिटल नहीं है क्योंकि और धन प्रोड्यूस नहीं कर रही है लेकिन मैं अगर उसको टैक्सी में चला दूं तो अगर मैं उसको टैक्सी के अंदर चला दूं तो क्या हो जाएगी वो कैपिटल लेकिन जब तक मैंने टैक्सी में नहीं चलाया तब तक वो क्या है वो सिर्फ वेल्थ है कैपिटल नहीं है कैपिटल मेनमेड होता है कैपिटल वो वेल्थ होती है जो एक तरह से इन्वेस्ट की जाती है किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए या किसी सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए काम में ली जाती है यानी ऐसा धन जो और धन कमाता है उसी को आप क्या बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं तो अब कार धन तो है लेकिन जब तक टैक्सी में नहीं लगेगी तब तक वो धन है लेकिन कैपिटल नहीं हो सकती यानी पूंजी नहीं हो सकती कैपिटल का मतलब क्या होता है पूंजी पूंजी कब बनेगी जब वो पैसा कमाने लग जाएगी तो स्टेटमेंट तो डी भी ठीक है स्टेटमेंट सी भी ठीक है स्टेटमेंट बी भी ठीक है अब ई में देख लेते हैं लैंड इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखिए लैंड है उसके अलावा कैपिटल है ये सब क्या है पैसिव फैक्टर है प्रोडक्शन के सिर्फ लेबर है वही एक्टिव फैक्टर है लेबर है वो ही प्रोडक्शन का एक्टिव फैक्टर है Land है वो पेशी फैक्टर है इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था वो हमें मिल गया तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा ई e ऑप्शन है वो आपका right होगा. Right क्या होगा? E है, वो आपका आपका राइट 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 होगा 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 आंसर क्या ई ऑप्शन है है क्लियर समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आज शुरू के जो तीनों क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से याद रखना है अपने को चलिए फिर से एक बार देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था आ, पहला क्वेश्चन था जो डबलिंग करने के लिए क्रोमोजोम की डब्लिंग करने के लिए क्या काम में लेते हैं कौल चीशिन, कौल चीशिन का ए ऑप्शन वाला है दूसरे के अंदर सेमी रूट स्टॉक पूछा गया था इनमें से सेमी एम मार्टिन एक सौ छह ये मैंने सारे के सारे रूट स्टॉक यहां पे दे रखे हैं उसके बाद आपसे पूछे गए थे करो इसको मैंने ढंग से समझा दिया और इसका राइट आंसर कौन सा ई ऑप्शन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है उम्मीद है आप सभी लोग आंसर देंगे द एलकेच इज द कोजेज ऑफ सेंटेड बासमती राइस फ्रेगनेंस सुगंधित बासमती चावल की सुगंध का कारण क्या है जो बासमती चावल होता है उसमें सुगंध किसके कारण आती है जो बासमती चावल है उसमें सुगंध आने का कारण क्या होता है बताओ भाई बासमती चावल में सुगंध आने का कारण क्या होता है फटाफट और लाइक शेयर पे भी पूरे का पूरा भरोसा रखिए देखो डी ऑप्शन है डाई एलाइल डाई सल्फाइड आप अच्छी तरह से जानते हैं ये किसमें ओडर का कारण होता है लहसुन के अंदर गार्लिक के अंदर एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड प्याज यानी अनियन के अंदर, ठीक है और जो बासमती राइस है उसमें जो खुशबू आती है वो आती है थ्री एसिटाइल वन प्रोलाइन के कारण आती है यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा क्लियर बढ़े आगे चलिए ए ऑप्शन राइट ना यानी जो बासमती राइस है उसमें खुशबू थ्री एसिटाइल वन प्रोलाइन के कारण आती है ये एक सिंपल क्वेश्चन दिया है बीच में ताकि आपका थोड़ा इंजॉयमेंट बना रहे सोरगम इज पोलिनेटेड क्रॉप ज्वार प्रागित फसल है किस तरह का प्रागण पाया जाता है भाई ज्वार के अंदर सोरगम में सेल पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन या ओपन क्रॉस पोलिनेशन ठीक है या ओपन सेल पोलिनेशन किस तरह का पॉलिनेशन है वो ज्वार के अंदर देखने को मिलता है क्वेश्चन बहुत आसान है आना भी चाहिए आपको और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है चलिए ये तो आपने बता दिया लगभग का ठीक आंसर है फटाफट बता दीजिए कि आप अपने सिलेबस में से जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ओपन क्रॉस पोलिनेशन के और कौन-कौन से एग्जांपल है ओपन क्रॉस पोलिनेशन के और कौन-कौन से एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं बताओ भी ऑपन क्रॉस पॉलिनेशन के और कौन कौन से एग्जाम्पल है आना भी चाहिए ये क्योंकि सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ओपन क्रॉस पॉलिनेशन के ही पूछे जाते हैं आज तक आपने एग्जाम में भी नोट किया होगा सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं ओपन क्रॉस पॉलिनेशन के पूछे गए हैं चिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया भी चिल्ली के अंदर मान लिया चिल्ली में होता है और भी बताइए मक्का में तो बहुत ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होता है मक्का आप कैसे बता सकते हैं ज्वार तो है ही ऑप्शन में बाजरा में कोटन ठीक है बात समझ में आ गई सही है आ, उसके अलावा अरहर में भी होता है ओकरा जो भिंडी है उसमें भी होता है ब्रिंजल है उसमें भी होता है चिल्ली है उसके अंदर भी होता है चलिए ज्वार सोरगम में होता है कॉटन कपास में होता है ट्रिटिकेल में भी होता है अरहर में भी होता है टोबेको में भी देखने को मिलता है तंबाकू में भी देखने को मिलता है चिल्ली मिर्च में भी ओपन क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है ब्रिंजल बैंगन में भी ओपन क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है ओकरा में भी क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है बिल्कुल ठीक है भाई बिल्कुल ठीक है अब कई जने सनफ्लावर भी ऑप्शन में ले रहे हैं तो बताओ सनफ्लावर में कैसा पोलिनेशन होता है फटाफट प्ड़ बताओ सनफ्लावर में पॉलिनेशन सनफ्लावर में किस तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलता है सनफ्लावर में किस तरह का पॉलिनेशन सनफ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है रंगीन फूल है और एंटमोफिलस होता है मधुमक्खियों द्वारा पोलिनेशन होता है किसके द्वारा मधुमक्खियों के द्वारा पोलिनेशन होता है ठीक है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी और ओपन क्रॉस पोलिनेशन के सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट जीन ऑप्टेंट फ्रॉम बारने जीन है वो किससे प्राप्त किया जाता है चार ऑप्शन है आपके पास देखिए फटाफट जीन है वो किससे प्राप्त किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम में लेते हैं ना अपने इसको जीन को देखो बारने जीन है वो हम किसके अंदर काम में लेते हैं जनरली काम में लेते हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जीन ट्रांसफर में किस चीज के लिए काम में लेते हैं अभी बात करते हैं देखिए ए ऑप्शन है बेसिलसूरिज ऑप्शन है बेसिलस एक्यूटिकस और सी ऑप्शन है बेसिलस एमाइली एमाइलो लिक्वी है ना बेसिलस एमाइलो लिक्वी फेसिंस और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज देखो बर्नी जीन है वो किससे प्राप्त किया जाता है वो बेसिलस एमाइलो लिक्वी फेसिनीज से प्राप्त किया जाता है राइट right आंसर क्या है सी ऑप्शन है वो इसका राइट right है अब देखो तीन जीन की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है वो तीन जीन कौन कौन से अच्छे से याद रखने हैं और उनका उपयोग क्या होता है देखो बारनेज जीन है वो किसके काम में लेते हैं मेल स्टिलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए नरबंदिता को उत्पन्न करने के काम में लिया जाता है अच्छे से याद रखिएगा एक होता है बास्टर जीन है ना बास्टर जीन जो होता है वो जनरली फर्टिलिटी को प्रोड्यूस यानी फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के काम में लिया जाता है फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के काम में लिया जाता है और उसके अलावा एक होता है बार जीन ये तीन जीन बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज आते हैं बार जीन जो जनरली है वो क्या करता है फोस्पोनि फोस्पो, थ्रीसिन फोस्पो फोस्पिनो थ्रीसिन फोस्पोनिथ्रीसिन एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज जो है एंजाइम पैदा करता है और जो जनरली हरबी साइड साइड के लिए रेसिस्टेंट जनरेट करने के लिए पैदा करता है और आपको ही पता है सबसे सस्ता जो हरबी साइड पड़ता है वो ग्लाइफोसिनेट पड़ता है जो एक नॉन सेलेक्टिव टाइप का होता है यानी सभी पौधों को मारता है अगर किसी पौधे के अंदर ये जीन ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो पौधा है वो हरबी साइड से नहीं मरेगा यानी ग्लाइफोसिनेट से नहीं मरेगा अब इस पौधे को जब आपने लगा रखा है फसल के रूप में तो उस फसल में किसी भी वीड को मारने के लिए ग्लाइफोसिनेट आप काम में ले सकते हैं वो पौधा नहीं मरेगा जिसमें बार जीन होता है जैसे बहुत सारी सोयाबीन के अंदर आपको देखने को मिलता है तो बार जीन होता है वो पौधा तो मरेगा नहीं बाकी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे तो ये तीन जीन है इनको अच्छे से ध्यान रखना है क्लियर है स्टूडेंट यहां पर चलिए आपसे पूछा गया था बारनेजीन और ये इसका राइट आंसर कौन सा है सी ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थैंक यू भाई बसंत चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नहरों से संबंधित क्वेश्चन है ना केनाल से संबंधित भारत में सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है ट्यूबवेल से किससे ट्यूबवेल से और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है वो होता है केनाल से केनाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो यहां केनाल से संबंधित एक क्वेश्चन है क्योंकि हमारे इंडिया में इरिगेशन का सेकंड इंपोर्टेंट सोर्स है वो केनाल हैल्टी फंक्शन केनाल पर्पज ऑफ बोथ इरिगेशन केनाल एंड फीडर केनाल एक वाहक नहर बहु कार्य नहर है जो सिंचाई नहर और फीडर नहर दोनों के उद्देश्य को पूरा करती है तो यह कौन सी नहर के लिए आपसे मतलब क्या है ठीक है वैसे तो क्वेश्चन में ही आंसर आ गया है है ना ये क्वेश्चन है गड़बड़ कर दी है यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में ये आंसर है चलो अब बात आ गई है तो बता देता हूं क्वेश्चन में ही आंसर आ चुका है ठीक है जो सिंचाई करती है उसको बोलते हैं इरिगेशन केनाल जो सिंचाई करती है वो इरिगेशन केनाल है और जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के काम में ली जाती है उसको पावर केनाल बोलते हैं इन दोनों को प्रोडक्टिव केनाल बोलते हैं उत्पादक नहरें बोलते हैं इन दोनों को क्या बोलते हैं प्रोडक्टिव नहर बोलते हैं यानी उत्पादक केनाल बोलते हैं अच्छे से ध्यान रखना फीडर केनाल क्या होता है जिससे ये बांध बना हुआ है बेराज बना हुआ है ये बेराज से कोई नहर आती है सिंचाई नहीं करती लेकिन आगे जो इरिगेशन वाली नहरें हैं उनको पानी देती है आगे वाली नहरों को पानी देती है ये बेराज से आती है और आगे वाली नहरों को पानी देने का काम करती है उसको बोलते हैं फीडर केनाल क्या बोलते हैं उसको फीडर केनाल यहां देना था फिल इन द द्लेंक कि कौन सी केनाल है जो इरिगेशन का भी काम करती है और फीडर का भी काम करती है वो होती है करियर कनाल या वाहक नहर बोलते हैं जैसे ये थी फीडर इसने बीच में कहीं भी सिंचाई नहीं की इसने बेराज से पानी आगे की नहरों को दिया इसको बोलते हैं फीडर लेकिन जब फीडर है वो सिंचाई भी करने लग जाए साथ में इस एरिया को सिंचित करती आए तब आप इसको क्या बोल देंगे तब आप इसको करियर केनाल ऐसी नहर जो फीडर का भी काम करती है सिंचाई का भी काम करती है उसको बोलते हैं करियर कनाल्स बोलते हैं और जो सिर्फ दूसरी नहरों को पानी लाके देती है और सिंचाई का काम नहीं करती उसको बोलते हैं फीडर केनाल नेविगेशन केनाल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पनामा नहर नेविगेशन केनाल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पनामा नहर जो ट्रांसपोर्टेशन के उद्देश्य से बनाई गई है यानी जनरली क्या परिवहन के लिए बनाई गई है ना जो पनामा नहर है वो बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा देता है आपको ही पता है सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन पड़ता है वो जो पानी पानी की जहाजों द्वारा ट्रांसपोर्टेशन या नावों से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वही सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होता है तो नेविगेशन केनाल वही होती है जो ट्रांसपोर्टेशन के उद्देश्य से बनाई गई है तो मैंने यहां पे सभी प्रकार की नहरों के बारे में आपको बता दिया क्वेश्चन में गड़बड़ थी लेकिन कोई बात नहीं हमने यहां पे पांच नई चीजें हैं वो देख ली है ठीक है यहां पूछना यह था कि ऐसी कौन सी केनाल है जो सिंचाई के भी काम आती है और फीडर केनाल के भी काम आती है इज़ करियर है यानी जिसको आप वाहक नहर कहते हैं क्लियर बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इट इज द कल्चरेबल कमांड एरिया ऑबटेन आफ्टर द डिडक्शन ऑफ केनाल नेटवर्क प्लाई डीचेज एटसेक्ट्रा कंस्ट्रक्टेड इन द फील्ड यह खेत में निर्मित नहर नेटवर्क आपूर्ति खाई आदि की कटौती के बाद प्राप्त कृषि योग्य कमान क्षेत्र है बताओ इसका राइट आंसर बताओ इसमें कोई गड़बड़ नहीं है बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बताइए भी यहां पे यह पूछा गया है कि कल्चरेबल जो कमांड एरिया है उसमें से सिंचाई परियोजना वाला क्षेत्र निकाल देते हैं जैसे नहर है उसको निकाल देते हैं कोई डीचेज है उनको निकाल देते हैं अब जो बचा पीछे एरिया किसमें से कल्चरेबल कमांड एरिया में से उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो है हम ग्रोस कमांड एरिया की बात करते हैं देखिए ग्रोस कमांड एरिया क्या होता है कोई भी सिंचाई परियोजना सिंचाई परियोजना तीन तरह की होती है ना माइक्रो मॉडरेट और लार्ज माइक्रो मीडियम और लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी छोटी सिंचाई परियोजना मध्यम सिंचाई परियोजना और बड़ी सिंचाई परियोजना अगर किसी सिंचाई परियोजना में दो से दस हेक्टर तक सिंचाई होती है तो वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है मध्यम सिंचाई परियोजना होती है अगर 2000 से कम एरिया होता है तो उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना या लघु सिंचाई परियोजना या छोटी सिंचाई परियोजना बोल देते हैं और अगर सिंचाई परियोजना 10,000 हजार हेक्टर से ज्यादा एरिया को सिंचित करती है तब तो हम उसको बोलते हैं लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं यानी बड़ी या वृहद सिंचाई परियोजना है वो बोल दिया जाता है लेकिन ये तो ठीक है मान लो कि हमने एक बांध बनाया सिंचाई परियोजना के लिए है ना अब इससे नहरें हमने निकाल दी और इन नहरों से जितना एरिया सिंचित होता है जितना एरिया ये नहरें कवर करती है उसमें गांव शहर जंगल बंजर भूमि ठीक है रोड लाइन्स रेलवे लाइन सब आ जाएगी मतलब किस कितने एरिया को सिंचित करती है? जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये पंजाब का कुछ क्षेत्र को सिंचित करती है हरियाणा के कुछ क्षेत्र को सिंचित करती है और राजस्थान के ग्यारह जिलों को सिंचित करने का काम करती है तो उनको हम क्या बोलेंगे ग्रोस कमांड एरिया बोल देंगे क्या बोल देंगे ग्रोस कमांड एरिया बोल देते हैं ग्रोस कमांड एरिया किसी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला वो क्षेत्र है जिसमें खेत के साथ साथ सिंचाई परियोजना की जो नहरें हैं डीचेज है वो भी शामिल है और उसके साथ साथ उसमें आने वाले गांव शहर रोड फॉरेस्ट उसके अलावा बंजर भूमि वगैरह सब आ जाते हैं वो तो होता है ग्रोस कमांड एरिया अब इस ग्रोस कमांड एरिया में से हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ खेत प्लस सिंचाई परियोजना का जो हिस्सा होता है नहरें होती है डीचे जो होती है उनको रख लेते हैं खेत और सिंचाई के जो क्षेत्र है वो रख सॉरी सिंचाई परियोजना के जो हिस्से हैं जैसे नहरें वगैरह नहरों का जाला वो रख लेते हैं तो हम इसको बोलेंगे कल्चरेबल कमांड एरिया क्या बोलेंगे कल्चरेबल कमांड एरिया कल्चरेबल कमांड एरिया का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट ग्रोस कमांड एरिया है उसमें से हम नॉन कल्चरेबल लैंड निकाल देते हैं नॉन कल्चरेबल यानी अकृषिगत क्षेत्र निकाल देते हैं गांव है शहर है रोड है रेलवे लाइन है फॉरेस्ट एरिया है उसके अलावा बंजर भूमि है ये सब निकाल देते हैं तो इसको बोलते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया कल्चरेबल कमांड एरिया में ध्यान रखना खेत आता है और सिंचाई परियोजना का नहरें आती है या उसकी जो खाई वगैरह होती है वो आती है बस और अगर हम इस कल्चरेबल कमांड एरिया में से कल्चरेबल कमांड एरिया में से नहरें माइनस कर दें है ना उसके अलावा जो भी खाई वगैरह डीचेज वगैरह वो भी माइनस कर देते हैं यानी इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देते हैं तो वो कहलाता है नेट कमांड एरिया और आपसे क्या पूछा गया था शुद्ध कमांड एरिया ही तो पूछा गया था तो नेट कमांड एरिया होगा इसका राइट आंसर यानी सी ऑप्शन है वो आपका राइट है नेट कमांड एरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्लियर है स्टूडेंट नेट कमांड एरिया राइट आंसर है कोई डाउट नहीं है इसमें अब तो तीनों के तीनों बता दिए और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने है. Next, हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट एसिलेटेड एजिंग टेस्ट इज डन इन तवरित एजिंग बढ़ने का परीक्षण किसमें किया जाता है

अब मैं देखता हूं पुतीन का आंसर है पी है अच्छा पुतीन भी है चलिए अंजलि का भी पी है प्रिंसा का भी पी है हीरा मंडल का भी है अभिजीत का भी है मेज कार्तिक सोनेकर ए है रतेंद्रा कुमार यादव वंशी का डी है मीनाक्षी पांडा का मेज है इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर अभी तक मैंने ठीक देखा है वो है इसका है वो हां अभी देख रहा हूं बाद में बदल देंगे एक तो निखिल का सही है एक रितिंद्रा का सही है सिर्फ दो ही लोगों का आंसर सही है एक्सिलेटेड एजिंग जो टेस्ट होता है वो काम में लिया जाता है सोयाबीन में राइट right आंसर क्या होगा डी ऑप्शन राइट होगा ये टेस्ट जांचने के लिए लिया जाता है ये ये जो टेस्ट है है जांचने के लिए लिया जाता यानी विगर्सनेस तो समझते हो ना मतलब ओज कितना है उस चीज को जांचने के काम में लिया जाता है सोयाबीन के अंदर काम में लेते हैं तो राइट right आंसर कौन सा होगा डी ऑप्शन राइट होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद कर लीजिएगा सिर्फ इतने स्टूडेंट में से दो ही स्टूडेंट का सही आंसर था अब देखिए ये टेस्ट क्या होता है एसोलेटेड जो एजिंग है वो सो डाक्स के द्वारा रिकमेंड किया गया था है ना सो डाक्स के द्वारा रिकमेंड किया गया था और ये एक विगर टेस्ट है विगरनेस का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है एक वोटर जैकेट चेंबर के अंदर हम सोयाबीन के बीज लेते हैं उन्हें 41 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं बेहतर घंटे के लिए रखते हैं ठीक है ह्यूमिडिटी प्रॉपर होती है उसके अंदर अब उसको हम रखते हैं एक क्रिप सेलुलोज पेपर पे क्रिप सेलुलोज पेपर है उस पे रखते हैं उस पे रख देते हैं सैंड सोइल सैंड सोइल रखने के बाद उसमें सात दिन बाद जर्मिनेशन के बाद अपने एनालाइज करते हैं कि विगरनेस कैसी है तो इसको बोला जाता है एसेलेटेड एजिंग टेस्ट बोला जाता है सो so, डच की रिकमेंडेशन है किसकी रिकमेंडेशन है सोडा की रिकमेंडेशन है ठीक है अच्छे से याद रखना किससे संबंधित है, है? सोयाबीन से संबंधित है नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है चिलिंग टेम्परेचर इज असेंशियल फॉर सीड प्रोडक्शन बीज उत्पादन के लिए द्रुत शीतन तापमान की आवश्यकता होती है जैसे टेम्परेट रीजन शीतोषण जलवायु वाली जितनी भी फसलें होती है उनमें जनरली बीज उत्पादन के लिए उन्हें एक निश्चित समय के लिए कम तापमान देना पड़ता है चिलिंग टेम्परेचर देना पड़ता है तभी उनमें फ्लावर इनिशिएशन होता है और सीड फॉर्मेशन होता है नहीं तो फ्लावर इनिशिएशन यानी फूल का निर्माण और बीज उत्पादन नहीं होता है तो आपसे यह पूछा गया है कि चिलिंग टेम्परेचर है वो किसके लिए जरूरत है तो देखिए फ्रेंच बिन तो टेम्परेच रीजन का है ही नहीं फ्रेंच बिन बोले तो राजमा ये तो होगा ही नहीं गार्डन पी है ये भी नहीं है ये भी तो क्या है जनरली अपने ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में भी खूब इसका सीड प्रोडक्शन करते हैं अब बचे आपके पास दो ऑप्शन एक तो है कॉलीफ्लावर और दूसरा कौन सा है कैबेज है एक तो है आपका कॉलीफ्लावर और दूसरा कौन सा है स्टूडेंट कैबेज है तो इनमें से चिलिंग टेम्परेचर मस्ट किसके लिए किसके लिए जरूरी है वैसे तो सभी कॉल क्रॉप्स के लिए जरूरी है लेकिन कॉलीफ्लावर जो है वो

उस कुकुम्बर कल्टिवेशन हालांकि ये अभी राजस्थान में हॉर्टिकल्चर एमएससी इंट्रेंस के लिए जो एग्जाम हुआ है उसी से ये दोनों क्वेश्चन उठाए हैं हालांकि मैंने पीछे पेपर भी सोल्व करवाया था लेकिन आप लोग देखते कहां हो सारे तो ग्रीन हाउस खीरे की खेती के लिए सबसे पसंदीदा किस्म है देखो भारत में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में यानी ग्रीन हाउस पॉली हाउस में सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो खीरे की की जाती है कुकुंबर की की जाती है और लोग सबसे ज्यादा कौन से कुकुंबर को पसंद करते हैं जिसमें बीज नहीं होते तो जाहिर सी बात है हाउस में भी तो वही लगाएंगे जिसमें बीज नहीं होते यानी सॉफ्ट हिस्सा होता है ना तो अब जाहिर सी बात है बीज नहीं होने का मतलब क्या है पार्थेनो कार्पिक मोनोसियस डायोसियस ये तो पसंद से संबंधित है ही नहीं वैसे तो आपको पता है खीरा कैसा होता है मोनोसियस होता है या डायोसियस होता है बताओ अभी खीरा कैसा होता है मोनोसियस होता है या डायोसियस होता है खीरा मोनोसियस है या फिर डायोसियस है जो खीरा है वो मोनोसियस है या डायोसियस है बताओ भाई खीरा है वो लैंगिकता के आधार पर कैसा होता है मोनोसियस या डायोसियस मोनोसियस या डायोसियस देखो कुकर बिट्स मोनोसियस होते हैं कुकर बिट्स मोनोसियस होते हैं दो तीन दिन पहले ही क्विज में करवाया था कि तीन कुकर बिट्स है वो मोनोसियस नहीं होते वो डायोसियस होते हैं तीन कुकर बिट्स डायोसियस होते हैं बाकी सारे के सारे मोनोसियस है फटाफट उनके नाम लिख दो इतने में मैं आंसर दे देता हूं देखिए पार्थेनो कार्पिक खीरा है, वो ही पोली हाउस ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा लगाया जाता है और लोग भी ज्यादा पसंद किसको करते हैं पार्थेनो कार्पिक और लोग जिसको पसंद करते हैं उसी को अपने क्या करते हैं हाउस ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा लगाते हैं तो राइट आंसर सी ऑप्शन है वो राइट right होगा डायोसियस का जनरली बताना था बिल्कुल ठीक है संजय कुमार पॉइंटेड गार्ड ईवी गार्ड और काकरोल पॉइंटेड गार्ड ईवी गार्ड और काकरोल ये तीनों कैसे स्वभाव के होते हैं ये डायोसियस ये तीन ही ऐसी कुकर बिड्स है जो डायोसियस है बाकी सारे कुकर बिट्स है वो मोनोसियस है मौनोसीयस में तो भेद जानते हो ना एक ही पौधे पर मेल और फीमेल का डिफरेंट लोकेशन पर होना मोनोसियस कहलाता है एक ही पौधे पर नर व मादा का अलग अलग स्थान पे होना क्या कहलाता है मोनोसियस कहलाता है एक ही पौधे के एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों का होना हर्मा फ्रोडाइट कहलाता है क्या कहलाता है हरमा फ्रोडाइट कहलाता है और नर व मादा पुष्प का अलग अलग पौधे पर होना नर व मादा फ्लावर का अलग अलग पौधे पर होना डायोसियस नर व मादा फ्लावर का नर व नर व मतलब मेल व फीमेल फ्लावर का सेम प्लांट पे डिफरेंट लोकेशन पे होना मोनोसियस कहलाता है और एक ही पौधे में एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों का होना हर्माफ्रोडिडेट कहलाता है ठीक है क्लियर है बढ़े आगे चलते हैं नेक्स्ट में चलिए नेक्स्ट है टू मीट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटिव डिमांड ऑफ प्राइस इज फ्यूचर द ओनली ऑप्शन इज भविष्य में चावल की गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मांगों को पूरा करने के लिए एकमात्र जो विकल्प है वो कौन सा है ए ऑप्शन है हाइब्रिड राइस पैदा करोगे दूसरा है बासमती राइस पैदा करके तीसरा है एरोबिक राइस पैदा करके और चौथा है डिजाइनर राइस पैदा करके तो कौन से राइस से हम जो भविष्य की डिमांड है उसको हम क्या कर सकते हैं पूरा कर सकते हैं तो वो कौन सा मेथड है बताओ भाई भविष्य की डिमांड को पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया है वो कौन सा राइस प्रोडक्शन अपने करते हैं उत्तर देख रहा हूं मुझे पता है कि ये आपको नहीं आता है आज की डिमांड पूरा करने के लिए तो हाइब्रिड राइस बेटा जी ठीक है आज की डिमांड पूरा करने के लिए तो हाइब्रिड राइस ठीक है शॉर्ट वीडियो ने पूरी ताकत लगाई है कि उनका आंसर देखा जाए क्योंकि उनको पता है कि उनका ही सही जा रहा है ना और किसी का सही नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि हाइब्रिड राइस है वो वर्तमान की डिमांड पूरा करने के लिए तो ठीक है लेकिन फ्यूचर की डिमांड पूरी हो जाए कोई जरूरी नहीं है बासमती की तो कुकिंग क्वालिटी बढ़िया होती है एरोमा बढ़िया होती है लेकिन प्रोडक्शन इतना नहीं होगा कि फ्यूचर की डिमांड पूरी की जाए एरोबिक राइस जो है वो पानी को बचाने की लिए तो ठीक है भविष्य में जो पानी की कमी आने वाली है उसके हिसाब से तो एरोबिक राइस है वो ठीक है ये तो पानी की डिमांड को घटा सकता है लेकिन जो भविष्य की फूड की डिमांड है जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जो भविष्य की डिमांड है उसको अगर कोई पूरा कर सकता है तो बायोटेक्नोलॉजी से तैयार किए गए राइस है वो ही क्या कर सकते हैं भविष्य की डिमांड पूरी कर सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी से जो राइस तैयार किया जाएगा वो ही डिजाइनर राइस होता है तो राइट आंसर कौन सा होगा डी ऑप्शन आपका राइट होगा डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा अब देख लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो अपनी डिक्शनरी में नॉलेज की डिक्शनरी में इसको एड कर लेना और फटाफट लाइक करते हुए दो

हो सकता है आपको लगता है फ्री की क्लास है तो बस देख ली बहुत है ऐसा नहीं होता है जो चीजें नहीं आती उसको नोट करना चाहिए ताकि आप आने वाले पेपर के लिए प्रिपेयर रहें जैसे कई बार मैं पहले क्वेश्चन करवाए हुए दोबारा से पूछ लेता हूं तो आपको पता ही नहीं होता है है ना तो आपको पता ही नहीं होता है तो ये गलत चीज है आपको ये चीजें याद होनी चाहिए ठीक है मेरा करवाने का देखो व्यू आने चाहिए चाहिए सब्सक्राइबर बढ़ने ये ये तो ठीक है ये अपनी जगह है लेकिन ये भी है ना कि आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आना चाहिए आपका रिजल्ट आएगा आप बोलेंगे जी सर आपने आपसे पढ़ा वहां से ये क्वेश्चन आया तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपका रिजल्ट ही हमारा गर्व है ना मतलब हम गर्वशील महसूस करते हैं समझ रहे हो तो रिजल्ट आना बहुत जरूरी है और रिजल्ट तभी आएगा जब आप एफर्ट्स लगाओगे ऐसे यूट्यूब की क्लास को यूट्यूब की तरह ही मत देखा करो उसको उससे नॉलेज गेन किया करो आप लोग नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन है द एस एम सी आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन वाज प्रपोज बाय संचार का एस एम सी आर मोड किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था वो तो बताना ही बताना है और इन चारों की फुल फॉर्म भी बतानी है इन चारों की फुल फॉर्म भी बतानी है ये टीजीटी में आएंगे बेटा जी टीजीटी में क्यों नहीं आएंगे सुरेश वर्मा जी ये पढ़ते रहिए टीजीटी में देखना कितनों किस्म से मुलाकात आपकी होगी और पुरानी जो सीरीज है उसको भी पढ़ लीजिए चलिए लिंगन ने दिया था सानोन और वेवर ने दिया था विलबर सेरेम ने दिया था और या फिर डी के बार्लो ने दिया था बताओ कि किसका मॉडल है देखो ये मॉडल बहुत पॉपुलर मॉडल है बहुत ज्यादा प्रचलित मॉडल है ये बहुत पॉपुलर मॉडल है ये बहुत ज्यादा प्रचलित मॉडल है और ये मॉडल किसने दिया था बेरलो ने दिया था डी के बेरलो ने दिया था इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर डी जमेगा बट मुझे बताओ इन चारों जो शब्द है उनका मतलब क्या होता है एस एम सी आर का मतलब क्या होता है ये भी तो बताने वाली बात है ना एस एम सी आर का मतलब बताइए एस एम सी आर का मतलब बताइए भी क्या एस एम सी आर की फुल फॉर्म होती है लिंगन्स का नहीं है बेरलो का मॉडल है किसका मॉडल है बेरलो का बताइए का मतलब क्या होता है इसी ने नहीं बताया अभी इसका मतलब मॉडल याद नहीं है आपको मॉडल क्या है मॉडल याद करना भी ठीक है बिल्कुल एस का मतलब सोर्स है प्रीति आपकी एग्रीकल्चर बहुत कमजोर है अब नहीं रहेगी ना पढ़ते रहिए बिल्कुल भी नहीं रहने देंगी चलिए आप लोगों के तो आंसर आ नहीं रहा है मुझे लगता है यही सोना पड़ेगा आपके आंसर का वेट करूंगा तो और यहां सो गया तो घर से भी निकलवा दोगे तो मुझे एस का मतलब होता है सोरस है ना सोर्स एम का मतलब होता है मैसेज सी का मतलब होता है चैनल और आर का मतलब होता है रिसीवर और ये जो मॉडल दिया है ये किसने दिया बेरलो का मॉडल स्क्रीन शॉट ले लीजिए बहुत बार आज तक जो सबसे ज्यादा मॉडल पूछा गया है वो बेरलो का मेडल पूछा गया है बेरलो का मॉडल सबसे ज्यादा पूछा जाता है एक्सटेंशन में अच्छे से याद कर लीजिएगा अफजल बेग को हंसी आ रही है अभी शादी नहीं हुई लगता है चलिए नेक्स्ट चलते हैं ये जो मॉडल है ये लिंगन का मॉडल है किसका मॉडल है लिंगन का मॉडल है ठीक है ये लिंगन का मॉडल है याद कर लेना दूसरा जो सबसे ज्यादा मॉडल पूछा जाता है वो लिंगन का मॉडल पूछा जाता है ठीक है पांच स्टेप है अच्छे से याद कर लेना नेक्स्ट ये है सानोन एंड वेबर जो तीसरे नंबर पे आज तक सबसे ज्यादा पूछा गया सानोन एंड वेबर का कम्युनिकेशन मॉडल है इसको भी ढंग से याद कर लीजिएगा और ये जो मॉडल है ये विलबर सेरेमन का है सेरेमम का है विलबर सेरेमम का है ठीक है मॉडल भी आप याद कर लीजिएगा जो सबसे ज्यादा पूछे गए वही लेके आया हूं मैं ठीक है नेक्स्ट है फर्स्ट कमर्शियल ट्रांसजेनिक वेजिटेबल्स क्रॉपिज पहली व्यावसायिक ट्रांसजेनिक सब्जी है बिल्कुल बायोफोर्टिफाइड वेराइटी मुझे लिखना चाहिए था लेकिन जो डिजाइनर राइस है वो बायोटेक्नोलॉजी से बायोफोर्टिफाइड वेराइटियां है ना बायोटेक्नोलॉजी से बायोफोर्टिफाइड वेराइटियां हैं चलिए पहले हम बात करें पहली व्यवसायिक ट्रांसजेनिक सब्जी है फर्स्ट कमर्शियल ट्रांसजेनिक वेजिटेबल क्रॉप इज वेजिटेबल क्रॉप पूछी आपसे है आप ना ओवर नहीं पूछी ओवर तो, तो टोबेको है

एंडलेस समर वेराइटी ये भी टोमेटो की वैरायटी है एंडलेस समर वेरायटी है ये भी आ, टोमेटो की एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है जो उन्नीस में आई थी नाइनटीन में आई थी वेजिटेबल में दूसरी जो ट्रांसजेनिक वैरायटी थी वो एंडलेस समर थी कौन सी थी एंडलेस समर थी वो जनरली डीएनए टेक कंपनी ने खोजी थी डीएनए प्लांट कंपनी है उसने रिलीज की थी डीएनए टेक और ने कैलजिन सेवर जो है फ्लेवर सेवर तो आपने पढ़ रखी है ना फ्लेवर और सेवर वेरा फ्लेवर सेवर एक ही है ना फ्लेवर सेवर वेरायटी फ्लेवर सेवर जो वेराइटी है वो आपने पढ़ी होगी उन्नीस सौ चौरानवे में, में कैलजिन कंपनी ने रिलीज की थी सबसे पहली वेजिटेबल की ट्रांसजेनिक वेरायटी थी और जो एंडलेस समर है वो भी टमाटर की वेराइटी उन्नीस सौ पिचानवे में, में आई थी डीएनए प्लांट टेक्निक जो कंपनी है उसने क्या है रिलीज की थी विनय यादव राम राम करो भाई और किसी का भी नंबर आने दीजिए नेक्स्ट अपने बात करें पपाया में भी कोई ट्रांसजेनिक वेरायटी है क्या जिसका नाम आपको पता हो ट्रांसजेनिक वेरायटी जो है पपाया की ट्रांसजेनिक वेराइटी का नाम पता है कोई इसका राइट आंसर तो बी होगा पपाया तो वेजिटेबल है ही नहीं बताओ पपाया की कोई ट्रांसजेनिक वेराइटी अगर आपको पता हो तो पपाया की कोई ट्रांसजेनिक वेराइटी आपको पता हो तो रेनबो रेनबो तो फर्स्ट कमर्शियल वेराइटी थी जो ट्रांसजेनिक थी लेकिन फर्स्ट ट्रांसजेनिक वेराइटी थी वो सनअप थी पपाया की पहली ट्रांसजेनिक वेरायटी पपीता की पहली ट्रांसजेनिक वेरायटी सनअप थी और पहली ट्रांसजेनिक कमर्शियल वेरायटी जिसको व्यवसायिक स्तर पर लगाया जाता है वो कौन सी थी रेनबो थी कौन सी थी रेनबो कौन सी थी रेनबो थी पपाया की पहली ट्रांसजेनिक पूछे तो सन बताओगे और पहली स्तर पर लगाई जाने वाली कौन सी थी, थी. पहली स्तर पर, लेवल पे लगाई जाने वाली कौन सी थी रेनबो थी अच्छे से याद रखोगे आप इसको ठीक है, नन्ना, है, बेटा. नन्ना, है. याद रखिएगा ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बस आंसर पिक करना आपको फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भारत में पहला कोल्ड स्टोर कहां बना था भारत में कीर्तिपाल थैंक यू भाई भारत में पहला कोल्ड स्टोर कहां पे बना था बताओ भाई फटाफट भारत में पहला कोल्ड स्टोर है वो कहां पे बना था भारत में पहला कोल्ड स्टोर है वो कहां पर बना था भारत में पहला कोल्ड स्टोर है वो कहां पे बना था जहां अंग्रेज आकर बसे बहुत ज्यादा बस गए थे जहां पे और उन्होंने वहीं पे सबसे ज्यादा काम किया था पवन वर्मा इस बात को समझ गए चलिए कोलकाता में पहला कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी कोलकाता में था राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा क्लियर स्टूडेंट नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगला मोटर्ड सीड कोट इज सीन इन चित्तीदार बीज कोट देखा जाता है अगर ये गलत करोगे तो फिर सारे ही गलत करोगे ये गलत करोगे तो फिर सारे के सारे ही गलत करोगे बताओ इसका राइट आंसर क्या है चित्तीदार सीड कोट है ना देखा भी होगा लेबोरेटरी में जिसमें जीन ट्रांसफर कर दिया जाता है वही ट्रांसजेनिक है एचआरडी आर केस्टर, अरंडी के जो बीज होते हैं उस पर आपने देखा होगा जो सीड कोट होता है वो कैसा होता है चित्तीदार होता है राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन राइट होगा ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा कुछ ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी तो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हो गए हमारे डिस्कस है, है ना चलिए अब जो बीच में कोई नोट्स का पूछ रहे थे या फिर कोई आ, किसी कोर्स का पूछ रहे थे तो देखिए स्टूडेंट सारे एग्रीकल्चर कंपिटेटिव एग्जाम के नोट्स अवेलेबल है नोट्स पर चेंज करने के लिए वो दिए गए नंबर है नाइन फाइव डबल वन फाइव नाइन थ्री वन टू सिक्स पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं पीजीटी का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है पीजीटी का भी चल रहा है एडीओ का चार तारीख से स्टार्ट है हरियाणा का बैंक ए प्री प्लस मेन का भी चार जुलाई से नया कोर्स स्टार्ट है गुरु जी सिंचाई जल के साथ हरबी साइड देना हरबीगेशन कहलाता है भाई सिंपल है देखो ए एफ ओ के एग्जाम में इंग्लिश इंग्लिश में आती है बाकी सारे जो सब्जेक्ट है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आते हैं भाई छत्तीसगढ़ आर ए यू का कोर्स बिल्कुल अवेलेबल है इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है जाके आप एक्सेस कर सकते हैं कार्तिक सोनेकर अच्छे क्वेश्चन थे भाई थैंक यू सर प्लांट पैथोलॉजी के लिए क्या करें प्लांट पैथोलॉजी के लिए करना क्या है बस पढ़ना है निखिल भाई बहुत समझ में नहीं आता देखो अगर आपका एग्रीकल्चर कमजोर है तो मार्केटिंग जैसा ही कुछ लगेगा लेकिन हमारा एक कोर्स है एग्रीकल्चर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो इस एप्लीकेशन पे मिलेगा वो आप ज्वाइन कर लीजिए सारा एग्रीकल्चर का बेस क्लियर हो जाएगा सर डी के बारे में कल क्वेश्चन लेके आएंगे विपिन कुमार यादव पैसे नहीं है जरूर थोड़ी पैसे से पढ़ाई होता है किताबें हैं पढ़ने के लिए बहुत सारे सोर्स हैं टमाटर की पहली हाइब्रिड वैरायटी भारत में कौन सी थी कर्नाटक थी भाई इस नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिए आपको एग्रीकल्चर सक्सेस बुक मिल जाएगी मेरी वॉइस बहुत अच्छी है ये तो मुझे तो नहीं लगता आपको लग रहा है तो बहुत बढ़िया बात है थैंक यू है ना नींद नहीं आएगी मुझे अगर इसे प्रशंसा करोगे तो क्वेश्चन की प्रशंसा कर दिया करो फिर मैं बहुत खुश हो जाता हूं मेरी क्लास से टीजीटी में सिलेक्शन हो जाए क्यों नहीं होगा भाई बहुत सारे टीजीटी -टी बन गए अब तो दोनों ही बुक है भाई भूरा सिंह थियोटिकल भी है और प्रैक्टिकल सर जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट ऑफ़ फार्म मैनेजर का एग्जाम देते पर वीडियो जरूर बना देना बिल्कुल बनाएंगे एग्रोनॉमी के क्वेश्चन भाई कितने लाते हैं विनय यादव एक्सीलेंट क्वेश्चन थैंक यू भाई बिल्कुल रोज इसी टाइम टाइम तो मैं साढ़े आठ का डालता हूं कोशिश भी करता हूँ समय पे पहुंचू लेकिन फिर भी पांच सात मिनट लेट हो जाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पांच मिनट सात मिनट के लिए मुझे माफ कर ही देते हैं प्रीति आर्या है थैंक यू भाई पिंकी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन देखो सॉल्यूशन तो फॉर्म डाल देना चाहिए सोल्यूशन हो सकता है बाकी तो कोर्ट फैसला करेगा जितेंद्र कुमार यादव वंशी अच्छा कानपुर में आप मुझसे मिल लिए थे इसलिए आवाज अच्छी लगती है चलो बहुत बढ़िया भाई भारत का कृषि में 19.9 परसेंट जीडीपी में योगदान है बिल्कुल उत्तराखंड सुगर केन का कोर्स भी मिल जाएगा नोट्स भी मिल जाएंगे पायल बिश्नोई थैंक यू भाई शुभम जैन थैंक यू भाई डीएचओ की पोस्ट आदि न्यूज ये डीएचओ की पोस्ट कहाँ के लिए यूपी के लिए यूपी में वैकेंसी आ रखी क्या डीएचओ की सर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की बेबी आते ही है मुकमिल और अब कल से और डालने शुरू कर देंगे आपके से बहुत क्वेश्चन आए फिर एक क्वेश्चन से कोई बात नहीं इस बार नहीं रहेंगे थैंक यू, भाई यू टू। टीजी टीजीटी का फीस कम करो देखो फीस तो अब क्या कम होगा फीस तो जो चल रहा है वही चलेगा फीस तो कम नहीं कर पाएंगे मेहनत बढ़ा देते हैं ना, फीस तो अब देखते हो आप औरों की कम है तो उसका तो मैं क्या इलाज उनकी क्या स्ट्रेटजी है क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते बेहतरीन करवाते है, करवाते हैं हैं शॉर्ट कम करवाते हैं उसका मैं कुछ नहीं कह सकता किसी से नहीं कर सकता बस ये है कि हम बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और इतनी फीस से कम नहीं कर सकते सर हर बार यूपी पीजीटी में एक नया एब्रीवेशन आता है इस बार अपने वाले में से आएगा आप निश्चित रहिए भूरा सिंह थैंक यू भाई इपको का रिजल्ट इपको वाले बताएंगे अब मैं तो कैसे बता सकता हूँ या तो इपको का मालिक बना दीजिए मुझे आई एम रेडी और आपको बता दूंगा रिजल्ट कब आएगा ये विपिन इस चीज के लिए कॉन्टेक्ट आप पिछावे एक सौ पंद्रह त्रान में एक सौ छब्बीस पे कर लीजिए हो जाएगा चलिए ठीक है स्टूडेंट स्टूडेंट की शिकायत तो रहती है फीस स्ट्रक्चर के लिए बोले आपकी फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है करें भी क्या फी स्ट्रक्चर सुबह आठ बजे लगते हैं अब देख लो नौ पैंतालीस हो गए आपके साथ बैठे हैं तो शायद बनते होंगे इतने एमएससी एंट्रेंस के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए तो स्टार्ट हो जाएगी जुलाई में बिल्कुल अभी अभिषेक बाला करवाते हैं कोर्स है भी मालिक बनने के बाद आप बात ही नहीं करोगे तो आज करना कौन सी फंसी है मेरे आज भी तो कर रहा हूं है ना मुझे क्या जरूरत है बात करने की क्वेश्चन करवाए बात खत्म क्यों भाई शहर का भूत। भूतों वाली बात कर दी आज तक शायद ही किसी को जो लगा होगा जो मेरे से मिले हैं कि मैं किसी से बात नहीं करूं विपिन इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए है ना <laughs> डायरेक्टर जनरल होना चाहिए था बहुत ज्यादा हो गया एक बार तो आगे बनेंगे ना चलिए शुभ रात्रि गुड नाइट कल मिलते हैं एट थर्टी पे बाय